नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर दिया गया है। जी हां, मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं मोहन यादव। उज्जैन दक्षिण से विधायक है मोहन यादव, जो कि 2013 में पहली बार विधायक चुने गए थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा के स्पीकर होंगे और मध्य प्रदेश में दो डिप्टी सीएम होंगे, राजवीर देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम होंगे। तो जहां एक और सीएम का ऐलान कर दिया गया है, वहीं डिप्टी सीएमओ के नामों का भी ऐलान कर दिया गया है। और मध्य प्रदेश में भी दो डिप्टी सीएम होंगे। और जिस तरह से विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, पहली तस्वीर सामने आई है जहां पर विधायक दल का नेता मोहन यादव को चुना गया है। और उसके बाद अब बधाई देने का सिलसिला जारी है, क्योंकि तीन पर्यवेक्षक आज भोपाल पहुंचे थे और दिल्ली से जो संदेश था वो भोपाल पहुंचाया गया और उसी के कुछ ही देर बाद नाम का ऐलान किया गया है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के अब नए मुख्यमंत्री होंगे। दरअसल आपको बताते चले कि 2013 में पहली बार विधायक चुने गए थे मोहन यादव। और इसके साथ ही साथ नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी दो डिप्टी सीएम होंगे, राजवीर देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। ये दो नाम जो कि डिप्टी सीएम के नाम सामने आए हैं। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त बीजेपी मुख्यालय की सीधा भोपाल से एक तरफ, जहां पर शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं, कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खुशी मनाई जा रही है। और भोपाल से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नाम का ऐलान किया गया है और बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं मोहन यादव। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधा हम आपको भोपाल से दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी मुख्यालय में अब क्योंकि नाम का ऐलान कर दिया गया है और बधाई का सिलसिला जारी है। तीनों पर्यवेक्षक आज भोपाल पहुंचे थे और उसके बाद उसके कुछ ही देर तक बीजेपी विधायक दल की बैठक चली और उसके बाद ये फैसला सामने आया, जिसके तहत आपको बता दें कि ये घोषणा हुई है, मोहन यादव को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है, जो कि उज्जैन दक्षिण से विधायक है और 2013 में पहली बार विधायक बने थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा के स्पीकर बनाया जा रहा है, जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश में दो डिप्टी सीएम के नाम भी सामने आए हैं, राजवीर देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, जिन्हें डिप्टी सीएम का मकाला का ही आया। ये इनकी बड़ी बहन है कलावती यादव। जी दीदी, आप बताएं जी कितनी खुशी आपको? खुशी तो है ही, भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत मिली और पार्टी का। क्या आपने कल भगवान महाकाल का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है, और निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। उन संघर्ष भी बहुत है, 1984 से सतत काम किया है भारतीय जनता पार्टी का, और हम विद्यार्थी परिषद से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है और सतत काम किया है। निश्चित रूप से उसका परिणाम है, बड़ों का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और बाबा महाकाल का आशीर्वाद। उनकी दिनचर्या क्या हुआ करती थी दिन में बाबा महाकाल को? है बाबा महाकाल को लेकर दिनचर्या क्या हुआ करती थी उनकी? बाबा महाकाल को लेकर जब भी उज्जैन में आते थे बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेते थे। कल भी बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर गए हैं यहाँ से। बिल्कुल बाबा महाकाल के और बाबा सभी की, देवी देवताओं की और पार्टी के वरिष्ठों की ये जीत है, और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उनको अपनी जिम्मेदारी, एक जिम्मेदारी दी गई है। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में सीएम होना भी कार्यकर्ता है, जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी को मिलने से हम सब बहुत प्रसन्न हैं। विद्यार्थी परिषद से ही राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है। उनकी गुड़िया बहुत छोटी थी, इतनी बड़ी गुड़िया उनकी बेटी का बालक है, वो बहुत इतनी बड़ी थी तब शिवा भैया
विधायक हुआ करते थे, उन्होंने कहा मोहन तेरी गुड़िया घुटने चलती है कि नहीं चलती है, तो भैया बोले भैया मैं जब निकलता हूँ घर से वो सोई रहती है, मैं पहुँचता हूँ तब वो सोई रहती है, तो मैं घर पहुँच के देख के बताऊंगा। ऐसी बिना किसी पद पे रहे भी वो इतने व्यस्त और प्रवास में रहते थे, निश्चित रूप से पार्टी का काम करते थे। साथी विधायक रहे हैं और आज भी हम लोग सवेरे से साथ में बैठे थे, मोहन यादव जी को भी नहीं पता था कि उनका नाम आ सकता है, और यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को उठाती है और सीधे मुख्यमंत्री और बड़े बड़े पदों पर बैठाती है, और आज फिर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश को एक तरफ जहां लोग कह रहे हैं कि चौंकाया, वहीं दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूं कि एक समान और बहुत छोटे कार्यकर्ता को उठा के मुख्यमंत्री जैसे शीर्ष पद पे बैठाया, इसका लाभ मैंने अभी बताया। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कभी कल्पना नहीं करता है कि वो पीएम बनेगा, सीएम बनेगा या कुछ भी बनेगा, जैसी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है वैसे हम निभा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर जो कि भोपाल बीजेपी मुख्यालय से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले का सभी कार्यकर्ता खुशी के साथ स्वागत कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर मोहन यादव के घर से सीधा लाइव दिखा रहे हैं हम आपको। दायित्व को उन्होंने निभाया है, बाबा महाकाल की नगरी से है, पार्टी के समस्त विधायक दलों ने उनका समर्थन किया है, मध्य प्रदेश में नया नेतृत्व आया है, केंद्र की माननीय मोदी जी की सरकार और मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार के माध्यम से पुनः जन कल्याण के काम होंगे। सर क्या कहेंगे, नया मुख्यमंत्री मिला आपको? मैं सभी विधायक संगठन के जितने भी नेता हैं, विशेष नेतृत्व, उनको बधाई देना चाहता हूं कि एक जमीनी कार्यकर्ता को जो मौका दिया है, इसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो ऐसे काम करती है जो एक आम कार्यकर्ता के लिए जो अंतिम छोर तक फायदा मिलता है, वो आज देखने को मिला है। तो ये दो तस्वीरें जहां पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, और पहली तस्वीर भोपाल बीजेपी मुख्यालय से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यकर्ता फूल मालाओं के साथ स्वागत कर रहे हैं क्योंकि विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं और मोहन यादव को विधायक दल का नेता चुना गया है। तो वहीं दूसरी तस्वीर मोहन यादव के घर से दिखा रहे हैं हम आपको, जहां पर उनके घर वालों में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है और इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। घर वालों की ओर से भी बताया जा रहा है कि किस तरह से कठिन परिश्रम करके आज मोहन यादव सत्ता की कुर्सी पर, आज उन्हें इतना बड़ा तोहफा मिला है। उनके परिवार वालों का कहना है कि दिन रात एक कर मेहनत किया करते थे और तब जाकर आज उन्हें ये परिणाम मिला है। तो खुशी की लहर दोनों तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी एकजुट हुए हैं बीजेपी मुख्यालय में भोपाल में, और इस फैसले का सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। जहां पर अभी कुछ देर पहले मंच की जो तस्वीर सामने आ रही थी उसमें शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे, कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे, और इसके साथ साथ मोहन यादव का फूलमालाओं के साथ स्वागत किया जा रहा था। तो वहीं दूसरी तस्वीर जो कि मोहन यादव के घर से है, और मोहन यादव के घर में इस वक्त बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। उनके घर में भी बड़ी संख्या में उनके रिश्तेदार इस वक्त मौजूद हैं जो कि इस फैसले का बड़ी खुशी के साथ स्वागत कर रहे हैं। तो वहीं बात करें 2013 में पहली बार विधायक चुना गया था, मोहन यादव को विधायक बने थे और उसके बाद लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं मोहन यादव। शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश को दो डिप्टी सीएम की सौगात मिली है। दो डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं, जिसमें से पहला नाम जगवीर देवरा का है और दूसरा राजेंद्र शुक्ला का है। तो कुल मिलाकर जो एक अभी तक सस्पेंस चल रहा था, अब उससे पर्दा उठ चुका है और एक जो नाम का ऐलान किया गया है, कहीं ना कहीं उससे अब खुशी की लहर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी है और परिवार वालों का भी खुशी से उनका रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो 2013 में पहली बार मोहन यादव को विधायक बने थे और उसके बाद अब लगातार तीन बार विधायक चुने जाने के बाद आज उन्हें
बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। 2013 में पहली बार उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से चुनाव जीता और विधायक बने। इसके बाद 2018 में उन्होंने दोबारा उज्जैन दक्षिण सीट से ही चुनाव को जीता और उसके बाद विधायक बने। और 2020 में जब बीजेपी की सरकार बनी, सरकार बनने के बाद मोहन यादव को कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया था और शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में जो उन्होंने काम किया है कहीं ना कहीं उसी का ये तोहफा कहा जा रहा है जो उन्हें दिया गया है और मध्य प्रदेश की सत्ता अब उनके हाथ में दी गई है। तो उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक हैं मोहन यादव।